एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए जगतगुरु परमहंस आचार्य ने रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को मांग पत्र दिया और पत्र में एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव लागू करने की मांग किया और बताया गया कि समान नागरिक संहिता लागू हो, एक देश एक चुनाव हो। एक देश एक चुनाव होने से भारत का इतना पैसा बचेगा कि हर साल 50 लाख रोजगारों को सरकार रोजगार दे सकेगी, क्योंकि अलग अलग चुनावों में सरकार का काफी पैसा खर्च हो जाता है। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु व स्वास्थ्य रहने के लिए रामलला से कामना किया है और कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और जो हिस्सा भारत से कट गए हैं उनको जोड़कर अखंड भारत बनाया जाए। यह सब मांगों को लेकर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को परमहंस आचार्य ने पत्र दिया। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि परमहंस आचार्य ने हमको पत्र दिया है जिसमें एक देश एक कानून एक देश एक चुनाव लागू करने की मांग की है, क्योंकि पत्र रामलला को लिखा है। मैं रामलला का मुख्य पुजारी हूं, इसलिए रामलला को पत्र समर्पित करूंगा। इस पत्र में मांग किया है कि भारत को अखंड भारत बनाया जाए ताकि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सके। इस तरह की मांग भारत के प्रधानमंत्री से किया है, जिसका आचार्य सत्येंद्र दास ने जगत गुरु परमहंस आचार्य के लिखे हुए मांग पत्र का समर्थन किया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य आज श्री रामलला को संबोधित पत्र रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी को हमने सौंपा है, जिसमें हमने मांग किया है कि एक देश एक कानून हो, माने समान नागरिक संहिता लागू हो, और एक देश एक चुनाव हो। एक देश एक चुनाव होने से भारत का इतना पैसा बचेगा कि प्रत्येक साल कम से कम 50 लाख बेरोजगारों को सरकार रोजगार दे सकेगी, इतना पैसा बचेगा। अलग अलग चुनाव प्रचार में इतना अधिक खर्चा हो रहा है, और इसमें हमने अभी मांग किया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है तो रामलला उनको स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, और भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बने, और जो भारत से जो हिस्सा कट गया है फिर से अखंड भारत बने, और प्रभु श्री रामलला की कृपा से ये सब संभव है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो है तो आदरणीय रामलला के मुख्य पुजारी जी को पत्र संबोधन जो है तो दिया है, और निश्चित रूप से रामलला की कृपा से यह होगा। देश जो है 2014 में देश ने करवट लिया है और लगातार राष्ट्रहित में काम हो रहा है। तो जिस तरह से जगत गुरु परमहंसाचार्य जी ने दिया है, जिसमें उन्होंने मांग किया है और पत्र है रामलला के लिए, तो मैं मुख्य पुजारी हूँ रामलला के लिए, ये पत्र समर्पित करूंगा। इनकी मांग है कि एक कानून और एक चुनाव, जैसे एक साथ सभी चुनाव हो, एक कानून बनाए, और साथ साथ देश के जो हमारी बिगड़ी हुई पहली व्यवस्था रही, आज व्यवस्थित किया जाए कि हमारा भारत अखंड भारत बने, और साथ साथ अखंड भारत के साथ ये विश्व गुरु रहा, विश्व गुरु हो, यह सोने की चिड़िया यह रहा, यह भी रही, ये हमारा देश जो पहले समय में प्राचीन काल में रहा उसी प्रकार से पुनः हो, इस प्रकार की ये हमारे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने मांग किया है और हम इसका समर्थन करते हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662
3599974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।